नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। यमुनानगर में कारोबारी की पत्नी पर हमला कर लूट की नियत से घर में घुसे एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद आज उसे अदालत में पेश किया गया और अदालत ने उसे 2 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। क्या है मामला, देखिए। यमुनानगर में पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल ने आज पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि दिनांक 26 जून को अर्जुन नगर चौकी में एक फोन आया कि सेक्टर 17 पार्ट 2 हुड्डा जगाधारी में एक युवक घर में घुसकर एक औरत पर धारदार हथियार से वार कर दिया है, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची, घटना की जांच करते हुए देखा कि घर के अंदर खून बिखरा हुआ था। जिस औरत पर हमला हुआ उसने अपने बयान में बताया कि वह घर पर अकेली थी, तभी युवक घर के पिछले दरवाजे से अंदर घुसा और जिसके एक हाथ में सरिया काटने वाली आरी ब्लेड थी, जिसने एकदम से मेरे सिर पर वार कर दिया। शोर मचाने पर पड़ोसी पहुंचे, पड़ोसी ने मेरे पति को फोन किया, मेरे पति ने आकर मुझे घायल अवस्था में गाबा अस्पताल में भर्ती कराया। इस शिकायत पर थाना शहर जगधारी में IPC की धारा 324, 451, 307 व आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी। इस मुकदमे की जाँच एंटी नारकोटिक्स सेल को दे दी गई थी। एंटी नारकोटिक्स सेल के इंचार्ज निरीक्षक महावीर ने आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए एक टीम का गठन किया था, जिसके बाद 13 जुलाई को पुलिस टीम ने गुप्त सूचना पर आरोपी धर्मेंद्र कुमार उर्फ इंद्र पुत्र मेहराम वासी नवीन नगर थाना सदर सहारनपुर उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पूछताछ पर आरोपी ने बताया कि वह विजय कालरा वासी मॉडल कॉलोनी यमुनानगर की कंस्ट्रक्शंस कंपनी में 5 साल से सुपरवाइजर का काम करता था, लेकिन लॉकडाउन के कारण काम नहीं मिला। 4-5 महीने पहले इसी ठेकेदार के माध्यम से इसी मकान में कंस्ट्रक्शन का काम किया था, जिसके घर को लूटने की सोची, जिससे कि नकदी व गहने लूट सको। पकड़े जाने के डर से बिना सामान लूटे मौके से भाग गया। वही आज आरोपी धर्मेंद्र को अदालत में पेश किया गया, जो अदालत ने 2 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज। काफ़ी मेहनत के बाद इसमें जो अक्यूज है इसको कल अरेस्ट किया है। इसका नाम धर्मेंद्र है, इसानपुर का रहने वाला है। ये ग्रेजुएट है, इसकी जो वाइफ है वो भी ग्रेजुएट है। इंटरेस्टिंगली ये पिछले लगभग 5 साल से यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, रेजिडेंशियल जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, उस पर सुपरवाइजर का काम करता है, कंस्ट्रक्शन की देख रेख के लिए।